हेलो दोस्तों, वैकेंसी विद श्याम में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं शॉर्टकट में AAI, इसी के बारे में हम शॉर्ट डिटेल बात करेंगे। यह वैकेंसी अपडेट निकल के आया हुआ है, हम नोटिफिकेशन से लेकर पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप लोग को पैसा से पहले हम आपको दिखाते हैं अप्लाई डेट कब से होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं अप्लाई डेट बिगेन 1/11/2023 से शुरू है, लास्ट डेट 30/11/2023 से। फीस की बात करें 30/11/2023 से एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आएगा। वहीं जनरल OBC के लिए EWS के और के लिए 1,000 रुपये, वहीं पर SC ST के लिए निःशुल्क है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी कोई फीस नहीं लगेगी। और हम एज की बात कर ले दोस्तों, तो इसमें एज देख सकते हैं आप लोग, जो कि एज लिमिट है 30/11/2023 तक। मिनिमम एज कोई भी हो और मैक्सिमम एज 27 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं वैकेंसी, तो वैकेंसी कितनी पोस्ट है, तो पोस्ट की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल पोस्ट है 496 पोस्ट हैं, जिसमें UR के लिए 199, OBC के लिए 146 है, EWS के लिए 49, SC के लिए 75, ST के लिए 33 सीट है, जिसमें टोटल हो गया 496 सीटें। और दोस्तों यहाँ पर पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट, एजिबिलिटी की बात करें तो एजिबिलिटी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। जूनियर एक्सक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, जो बैचलर डिग्री साइंस BSc विथ फिजिक्स एंड मैथ, UR BA एंड BTech डिग्री इन एनी ब्रांच फिजिक्स और मैथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट से होना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को हम शॉर्ट डिटेल दिखा देते हैं। हेलो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय विमान पतन प्राधिकरण, जो कि निखर के आया हुआ है। आप इसमें राजीव गांधी भवन सफदरगंज हवाई अड्डा नई दिल्ली से निकल के आए हुए हैं। यहाँ पर इन सब के बारे में हम लोगों को बता ही चुके हैं, और इसके बारे में क्या बताए यहाँ पर भी इसको भी बता दिए हैं आगे होम स्क्रीन पे। तो यहाँ पर एजुकेशन के बारे में भी डिटेल में बताए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर भी वही है। और बात कर लेते हैं डिग्री, तो डिग्री भी बैचलर डिग्री है। एज एज के बारे में बता दिए, रिलेशन छोड़, जो कि हर एक वैकेंसी में 5 से 3, SC ST के लिए 5 बार, OBC के लिए 3 वर्ष की छूट होती है। अंडर लिमिटेबल 10 ईयर्स का है। और इम्पोर्टेंट डिटेल जो कि है, यहीं पर बात कर लेते हैं, तो सैलरी हमारे ख्याल से 40,000 से शुरू है, 1,40,000 तक जाएगी। और कुछ जानकारी के लिए आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा सब कुछ, अपने वीडियो को स्लो करके। और तो फिलहाल इसमें कुछ है नहीं बताने को। दोस्तों वीडियो कैसे लगी, कमेंट में कुछ पूछना हो तो कमेंट में करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।